दोस्तों भी आप देख रहे हैं ऑल न्यू रेनो ट्रैवर का बेस वेरिएंट RXC। आज हम RXC का डिटेल रिव्यू आपके लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे ट्रैवर के बेस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट की प्राइस है 4,95,000, यानी कि ये इसका सबसे कम प्राइस वाला वेरिएंट है और काफ़ी फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे आपको उसमें क्या फ़ीचर्स दिए गए। अभी आप इसके फ्रंट के लुक को देख रहे हैं पूरा। इसमें भी आपको पूरा SUV इंस्पायर्ड लुक मिल जाता है। ऑल ब्लैक्ड आउट आपको इसमें फ्रंट की ग्रिल मिलने वाली है, जिसमें आपको मैट की पूरी फिनिश मिल जाएगी। डुअल टोन फ्रंट में इसमें पूरा बम्पर दिया गया है और ये इसका पूरा फ्रंट का लुक है। अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में ही। ये इसकी आप लो बीम के लिए देख रहे हैं और इसकी हाई बीम के लिए आपको सेपरेट लाइट मिलती है। वहीं टर्न इंडिकेटर्स जो दिए हैं पूरी असेंबली में मैश आउट हो जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है। नीचे फॉग लैम्प्स के लिए आपको पूरी एक हाउसिंग मिल जाती है जहाँ आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हैं। तो इस गाड़ी का फ्रंट का लुक पूरा ऐसा है। ये इसका बेस वेरिएंट है RXC, तो काफ़ी बढ़िया डील है। ये इसका फ्रंट का लुक है। गाड़ी में अगर आप फ्रंट की स्पॉइलर देखते हैं तो इसमें भी आपको पूरा ब्लैक्ड आउट फिनिश मिलने वाली है। ये इसका पूरा आप लुक देखा। अगर हम साइड से देखते हैं तो इसकी साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm है और इसकी जो लेंथ है वो 3990 mm है। तो लेंथ और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम व्हील साइज़ की बात करते हैं तो व्हील साइज़ भी इसमें आपको सेम साइज़ का मिलने वाला है। 165/80R14 का इसमें टायर मिलने वाला है। ये C8 का टायर है और जिसमें आपको व्हील्स मिलने वाले हैं इसमें भी ब्लैक पेंटेड स्टील रिम व्हील्स मिलने वाले हैं, जो कि एक बढ़िया प्रीमियम टच देते हैं। इसमें आपको काफ़ी सिंपल सी व्हील नहीं मिलेंगे, बढ़िया व्हील इसमें दिए गए। पूरी बॉडी में आपको पूरी क्लैडिंग मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं लग रही है। ये देखा आपने इसका साइड का लुक। अगर हम इसके ORVMs की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरी ब्लैक्ड आउट फिनिश मिलने वाली है। इसमें ये बढ़िया मटेरियल का यूज़ किया गया है और काफ़ी स्टर्डी डिज़ाइन है इसका। ये देखिए अगर एज एन एक्सीडेंट होता है तो ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। ये आपको मैनुअल मिलने वाले हैं। अभी इसके हम सारी डिटेल में आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्यों आपके लिए बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फ्लूडिक डिज़ाइन दिए गए हैं जो कि इसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और इसके टॉप मॉडलों में यहाँ पर आपको डिकैल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस वेरिएंट में आपको नहीं मिल रहे हैं। ये इसका पूरा लुक है। बॉडी कलर आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सही है, सही परफॉर्मेंस है इनकी भी। और ये इसका आपको विंडो ग्लास एरिया मिलता है। इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती है, इसके सेकंड टॉप वेरिएंट में मिल जाती है आपको, लेकिन इसके लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ये पूरी इसकी रूफ है और यहाँ पर देखिए आपको एक हम मिलता है जिससे जो इसके थर्ड रो के पैसेंजर है उनके लिए जो हेडरूम है वो बढ़ जाता है। तो ये देखा आपने इसका पूरा साइड का लुक। अब हम इस गाड़ी के पीछे से देख लेते हैं कितना पीछे इसमें लुक आपको मिलता है। ये इसका RXC वेरिएंट है, बेस मॉडल है। अगर हम टेल लाइट्स की भी बात करते हैं तो इसमें आपको बीगल जो इसमें आपको ईगल नोस पूरी डिज़ाइन मिलने वाला है जो कि इसको प्रीमियम टच देता है। और इसके टॉप मॉडल में भी आपको सेम डिज़ाइन मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन दिया गया है। रियर की ग्लास की बात करते हैं तो वही आपको प्रीमियम ग्लास मिलने वाला है इसमें। और इसमें आपको वॉशर वाइपर और डिफॉगर ये नहीं मिलेंगे। हाई स्टॉप ब्रेक लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि एक सेफ्टी सेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। रियर में आपको रेनो की यहाँ पर बैजिंग मिल रही है, ट्रैवर की बैजिंग मिल रही है। और बूट को ओपन करने के लिए यहाँ से आपको स्विच मिल जाएगा। रेनो की एक बैजिंग यहाँ भी है। और देखिए इसके बेस वेरिएंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं अल्ट्रासोनिक, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है। तो ये है पूरा कुछ। इसमें भी आपको 1000cc का इंजन मिलता है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। ऑटोमेटिक इसमें अभी ऑफर नहीं किया गया है। ये गाड़ी का साइड का लुक आप अभी देख रहे हैं। ये इसकी RXE की बैजिंग देख रहे हैं आप अभी, बेस वेरिएंट है क्योंकि ये। अब हम चलते हैं सीधे इसके इंटीरियर में, तो इंटीरियर में देखते हैं क्या इसमें आपको यूनिक फीचर्स दिए गए। ये गाड़ी का आप एक बार और फ्रंट का लुक देख लीजिए। साइड की लुक की ओर अगर हम देखें, अगर हम अंदर देखते हैं इसके, तो ये इसका पूरा विंडो का डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक मटेरियल का यूज़ देखने को मिलेगा। डोर हैंडल भी आपको ब्लैक्ड आउट मिल रहे हैं पूरे। पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इसमें आपको की सिस्टम मिलने वाला है जो कि आप बिना ब्रेक पेडल प्रेस करे भी स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी। और ये देखिए इसमें आपको मैनुअल विंडो ये मिल जाएगी पूरी पावर विंडोज़ फ्रंट डोर्स के लिए। और सेकंड जो इसकी सेकंड रो है, थर्ड रो है, उसमें आपको मैनुअल टाइप की मिलने वाली है जो कि एक अलग पॉइंट मैं कहूँगा अभी। ये इसका पूरा डैशबोर्ड का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, पूरा ब्लैक्ड आउट आपको इसमें डिज़ाइन दिया गया है और एक स्पोर्टी डिज़ाइन में से कहूँगा। और काफ़ी सही है इस प्राइस के हिसाब से, 4,95,000 शोरूम प्राइस है इसकी। और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको ऑन रोड प्राइस आपकी लोकेशन की दे दूँगा। या आप इसकी पूरी लेग रूम देख रहे हैं और ये गाड़ी का पूरा डिज़ाइन आपने देखा। सीट्स आपको सेम मिलने वाली है जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में भी मिलती है, कंफर्टेबल सीट्स है। ये सीट्स में आपको स्लाइड करने का फीचर मिल जाता है। हाइट एडजस्टिंग इस सेगमेंट में कोई नहीं देता है।
अब हम ड्राइवर सीट के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये कुछ इसका पूरा ड्राइवर व्यू आपको दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर भी आपको देखिए फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और ये कुछ आप अभी देख रहे हैं इसका पूरा MID का सिस्टम, काफ़ी प्लेन सा डिज़ाइन में कहूँगा। लेकिन ये देखिए इसमें आपको LED का यूज़ देखने को मिला है, LED फॉन्ट्स का। यहाँ पर आपको कोई भी डिजिटल या वाला सिस्टम नहीं मिलेगा जो कि एनालॉग सिस्टम होता है। तो ये एक प्रीमियम क्लास है। अगर हम बीच में AC वेंट्स की बात करते हैं तो AC वेंट्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं। और इसमें आपको AC मिल जाता है फ्रंट रोज के लिए, सेकेंड और थर्ड रो में आपको AC नहीं मिलेगा इसमें। तो ये पूरा डक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल AC ये पूरा है। AC की परफॉर्मेंस सेम है जो कि इसके ऊपर वाले मॉडलों में मिलती है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है और इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है, वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और ये इसका आप इसका मैनुअल IRV हम देख रहे हैं। तो ये है इसके पूरे इंटीरियर का डिज़ाइन। और ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आप इसका अभी ग्लव बॉक्स देख रहे हैं, स्पेस काफ़ी है ग्लव बॉक्स में भी। और यहाँ पर ऊपर आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिल रहा है इसमें, तो AC में भी सही है। और यहाँ पर देखिए एक पियानो ब्लैक फिनिश की पूरी दी गई है, गाड़ी में रीच सही मिल जाती है पूरी। तो ये कुछ आपने पूरा देखा, ये आपको मिल गया पूरा स्पेस। और फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो फैब्रिक प्रीमियम सा है, बढ़िया फैब्रिक आपको मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल जा रहा है, सीट कवर आप एज एन एक्सेसरी बाद में लगवा सकते हैं। दूसरी ओर आपको यहाँ पर इतना लेग रूम मिलता है। अगर ड्राइवर लेग रूम की बात करते हैं तो पूरा लेग रूम मिल जाता है आपको। और आपको 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, गेयर बॉक्स की लीवर आपको सिंपल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सिंपल डिज़ाइन मिलेगा पूरा। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, लेकिन कूलिंग का फंक्शन नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, ये इसका बेस वेरिएंट है। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर एक पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। अगर हम यहाँ से पीछे देख के बात करते हैं तो पीछे कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन मिलता है। अब हम इसके सेकंड रो में चलते हैं, कितना वहाँ स्पेस दिया गया है पूरा। सेकंड रो में अगर हम देख लेते हैं तो ये है कुछ इसका सेकंड रो का पूरा डिज़ाइन। यहाँ पर आपको मैनुअल मिल जाएगी जो कि आप जानते ही होंगे कैसे काम करती है। ये है कुछ इसका पूरा डिज़ाइन का। और इसमें भी पूरी आपको वही फंक्शन मिलने वाला है, 40-60 स्प्लिट मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको आगे को स्लाइड कर सकते हैं सीट्स को। और ये कुछ है इसका पूरा डिज़ाइन। और बैठ के देखते हैं, स्पेस तो हमने देखा ही हुआ है। और AC की बात करें तो आपको यहाँ पर B पिलर में इसमें AC वेंट नहीं मिलते, और ना ही इसके रूफ माउंटेड AC वेंट मिलेंगे इस वेरिएंट में। लेकिन आपको एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स पूरे मिल जाते हैं इसमें। फ्रंट में आपको फिक्स टाइप मिलने वाले हैं। बैठ के देखते हैं कितना इस वेरिएंट में आपको ऐसे स्पेस लगता है, क्योंकि सेम होगा। और ये वेरिएंट भी सही है, ये वाली में आपको स्लाइड हो रही है सीट्स, आगे पीछे पूरा जा रही है। और इतना लेग रूम मुझे अभी इसमें मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम सेंटर टनल की ओर देख लेते हैं तो ये कुछ आपको मिलता है, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड रो के लिए AC नहीं है, तो कोई कंट्रोल भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो कि इसके टॉप मॉडलों में आपको मिल जाता है। बाकी आपने ये देखा इसको पूरा, बाकी ये कुछ है। बाकी अब हम इसकी थर्ड रो की ओर अगर हम चलते हैं तो थर्ड रो भी सही है। थर्ड रो की ओर अगर हम सीधे चलते हैं, अब थर्ड रो की ओर अगर हम नीचे देखते हैं तो ये कुछ आपको वहाँ स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट अभी नहीं मिलता है। चलते हैं सीधे थर्ड रो की ओर, थर्ड रो में भी देखते हैं क्या मिलता है पूरा स्पेस। ये इसकी ड्राइवर का आप अभी देख रहे हैं पूरा थर्ड रो, ये खुला इसका पूरा बूट स्पेस। 84 लीटर का अभी आप इसका बूट स्पेस देख रहे हैं। और इसमें आपको 625 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इस वेरिएंट में भी आपको देखिए पूरी फ्लैट करने का सिस्टम मिल जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और ये वाली सीट्स को भी आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं, ये वाली सीट्स को फोल्डिंग कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी स्पेस आपको पीछे मिल जाएगा। बाकी ये था फिर पूरा इसका थर्ड रो का भी सीट्स। तो गाड़ी का ये आपने कुछ पूरा देखा, और पसंद आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। बाकी एक दो डिटेल में आपसे और शेयर करता हूँ। जो इसके टॉप मॉडलों में आपको टम्बलिंग का फीचर मिलता है वो आपको इसमें भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी और पूरा आगे को फोल्ड हो जाता है। इन सीट्स को हम आगे को शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको आगे करते हैं, ये थोड़ा सा अभी आगे। बाकी इन सीट्स को हम आगे करते हैं तो अभी देखेंगे कितना इसमें स्पेस मिलता है आपको। थोड़ा सा हैवी हो रहा है मेरा अकेले के लिए, इसको आपने देखा ही है। बाकी ये है फिर पूरा कुछ, तो बंद करते हैं अब। 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है इसमें, और 72 BHP का आपको 1000 CC का इसमें इंजन दिया गया है। इंजन बे की और बात कर लेते हैं इसमें। इंजन बे आपको इसमें सेम मिलेगी जो कि इसके टॉप मॉडल में आपको मिलती है। कंट्रोल आपको यहाँ से मिलता है इसमें। यह है इसका 1000 CC का इंजन, ये देख रहे हैं आप।
96 BH ये NM का टॉर्क आउटपुट है और 72 BHP बनाता है 6250 RPM में। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाएगा वॉशर यूनिट। तो ये इसका पूरा आपने डिटेल रिव्यू देखा, अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेल्स के लिए आप रेनो हल्द्वानी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।